गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स टूडेज फिफ्टी 15th थाउजेंड ट्वेंटी 2023, ट्यूजडे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं दोनों ही पेपर का जो बेसिक वर्जन है वो सबके लिए फ्री है इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं रिकमेंडेड प्लेसपीट है इस वीडियो की वन पॉइंट Thought of the day is nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. आज मिंट ने अप्रॉक्सीमेटली आठ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली सत्रह इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम तेरह न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है दैट इज अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट फूड कॉस्ट बाइट तो जुलाई के महीने की जो सी पी आई इन्फ्लेशन है सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो अपने पंद्रह महीनों के हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँच गई है अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट सी पी आई रिकॉर्ड हुई है और इसका बेसिक रीजन फूड और वेजिटेबल क्योंकि जो प्राइस हमें रिसेंटली इंक्रीज़ होते हुए मार्केट में दिख रहे हैं स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के उसकी वजह से जो ये कंज्यूमर प्राइस बेस्ड सी पी आई बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट तक पहुंच गई है और ये अपने पंद्रह महीनों का हाईएस्ट सीपीआई एंड डेफिनेटली इट इज़ ब्रीचिंग द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फेबररी तो फेबररी के बाद से पहली बार जो फोर uh, टू से लेकर के जो सिक्स की रेंज है वो ब्रीच हुई है टू टू सिक्स की रेंज किसने डिसाइड करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जहाँ पर हम फोर प्लस माइनस टू का आइडल इन्फ्लेशन जो आरबीआई है वो मेंटेन करना चाहती है और इससे अगर मिंट के पोल की बात करें मिंट के सर्वे की बात करें जहाँ पर नाइनटीन इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि जो सिक्स मंथ की रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 परसेंट रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई जबकि जून में इट वाज फोर एट वन परसेंट और यही सेम ट्रेंड जो है इस पोल में एस्टिमेट भी किया गया था जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि अप्रॉक्सीमेटली फाइव पॉइंट फाइव परसेंट से लेकर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तक सी जा सकती है और अगर हम रिवाइज एस्टिमेट्स को देखें तो रिवाइज रिटेल इन्फ्लेशन जून के महीने में रही वो अप्रोक्सीमेटली फोर रही एकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा तो फूड जो कमोडिटी है जो सी का अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करती है तो उसकी वजह से हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट सी पर देखने को मिल रहा है अगर हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें जो केवल और केवल फूड की इन्फ्लेशन को मेजर uh, करता है तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 11.51 परसेंट रहा इन द मंथ ऑफ जून जबकि इन द मंथ ऑफ जुलाई जबकि जून में यही कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली फोर थी और अक्टूबर 2020 के बाद से यह किसी भी महीने के सबसे हाईएस्ट फूड प्राइस इंडेक्स है तो जो रिसेंट डेटा रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जुलाई की रिटेल इन्फ्लेशन अपने आर के जो रेंज है उसको ब्रीच करते हुए अपने पंद्रह महीनों के हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फर्दर मोनिट्री पॉलिसी डिसीजन बाई एम पी आप देख लेते हैं आज का नंबर टू दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर वन ऑफ मिंट पेपर अडानी प्रॉप से बी सिक्स फिफ्टीन मोटेज तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पंद्रह दिन का एक्सटेंशन मांगा है किस से एक्सटेंशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किस लिए एक्सटेंशन मांगा है टू कंक्लूड इट्स इन्वेस्टिगेशन इन टू स्टॉक मैनिपुलेशन केस और स्टॉक मैनिपुलेशन एलिगेशन अगेंस्ट अडानी ग्रुप जो कि यूएस की जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है उसके बाद जो अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशन लगे थे उस एलिगेशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हालांकि इसके लिए कई सारे अदर कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी और ऐसा नहीं कि पहली बार ये एक्सटेंशन मांगा है इससे पहले भी से भी जो है वो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग चुका है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अन अवेलेबिलिटी प्राइमरली और इस एक्सटेंशन के में सेबी ने क्लियरली बोला है कि जो अपना फाइनल स्टेटस है रिपोर्ट का वो 24 तारीख को सबमिट कर देगा सेबी और अगर सुप्रीम कोर्ट के का आसपे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सेबी को डायरेक्ट किया था कि 14 अगस्त तक वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करें हालांकि अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने सिंपली उन सारे एलिगेशंस को जो कि हिंटन बर्ग रिपोर्ट में लगाए गए थे उन सबको निगेट किया है उन सबको डिनाई किया है तो फाइनली पंद्रह दिन का एक्सटेंशन यानी अब अब एट द एंड ऑफ दिस मंथ सी बी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है उन सारे 24 इश्यूज पर जिन पर इन्वेस्टिगेशन अपनी फाइनल स्टेज पर है ऑल दो अगर हम देखें तो इंट्रीम जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फॉरेन जुरुडिक्शन से जो इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन है वो अभी सीबी को अवेलेबल नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एग्रीमेंट एंड ट्रीटी रिलेटेड इशूज़ और उसी को लेकर के सीबी ने एक्सटेंशन मांगा है और ये, और ये रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद इससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसका अप्रूवल मांगा जाएगा और अप्रूवल के बाद अप्रॉक्सीमेटली उनतीस अगस्त या तीस तक जो है वो जब उनतीस अगस्त बेसिकली नेक्स्ट हेयरिंग शेड्यूल है तब तक प्रोबली से भी जो है वो अपनी रिपोर्ट इस इशू पर सबमिट कर सकते हैं जो ट्वेंटी फोर एलिगेशन लगाए गए हैं अडानी ग्रुप पर अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट्ट री वीकेंड्स टू टेन मंथ्स लो ऑफ एटी थ्री पॉइंट जीरो सेवन पर पॉइंट तो रूपी जो है वो अपने फिर से अपने एक सिग्निफिकेंट फॉल में चला गया या हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इंडियन रूपी में हमें फिर से डेप्रिसिएशन या वीकनिंग देखने को मिली तो इंडियन रूपी ने कल 83 का मार्क क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन और अपने 10 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुँचकर एटी पर क्लोज हुआ या डीरोटी थ्री पॉइंट जीरो सेवन uh, इंट्राडे हमें uh, लो देखने को मिला हालांकि क्लोजिंग जो है वो एटी टू पॉइंट नाइन फाइव पर यू हमें देखने को मिला तो इंटरा डे सेशन में 83.07 तक इंडियन रुपी पहुंच गया 83.07 मतलब वन यू एस डी इज इक्वल टू एटी थ्री एंड दिस इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इंस लास्ट 10 मंथ्स अब इसका रीज़न सडन हमें ये फॉल देखने को क्यों मिला तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सेंट्रल बैंक्स ने इंटरवेंशन किया है करेंसी मार्केट में या बहुत सारे हैं एक्सचेंज मार्केट में जहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी आर ने डॉलर सेल किए हैं थ्रू बैंक्स जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें ये जो क्लोजिंग है ये थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है हालांकि किन फैक्टर्स की वजह से ये हमें जो फॉल देखने को मिला अगर इसकी बात करें तो रिसेंटली ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है और उसका इंपैक्ट हमें उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें उसका सोर्स सेंटिमेंट हमें इंडियन रूपी पर देखने को मिला था सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन देयर हैज़ बीन द डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी बट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन जो क्लोज हुआ इंडियन रूपी वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करके हुआ अदरवाइज अगर इंट्राडे हम लो देखें तो 83.07 तक इंडियन रूपी पहुंच गया था अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप निर्मा सोल सूटर फॉर ग्लेनमार्क लाइफ तो निर्मा लिमिटेड हैज सबमिटेड द सोल बिडिंग और सोल बाइंडिंग बिड फॉर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल तो जो 82% का स्टेक है ग्लेन फार्मास्यूटिकल का जो कि लिस्टेड लाइफ साइंस सब्सिडियरी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड की उसके लिए उसके 82% परसेंट के स्टेक के लिए जो निर्मा लिमिटेड है उसने अपनी बाइंडिंग बिट सोल बाइंडिंग बिट सबमिट करी है हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अदर जो कंपनीज हैं उनकी भी बिडिंग आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है लेकिन एज ऑफ नाउ निर्मा हैज़ ओनली इमर्ज एज अ सोल बाइंडिंग बिडर फॉर ग्लैनमार्क 82% स्टेक इन लिस्टेड लाइफ साइंस सब्सिडरी अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर चार पर दिया हुआ है पेज नंबर एक पर दिए हुए आर्टिकल हम अदर न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है सर्विस एक्सपोर्ट सीज 12 परसेंट ग्रोथ एट डॉलर 27.17 बिलियन इन जुलाई तो ये डेटा इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में है मोर स्पेसिफिकली सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में है जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया जो है वो सरप्लस की सिचुएशन में रहता है अब न्यूज़ क्या है देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फेल टू नाइन मंथ्स लो तो इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो अपने नौ महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है यानी नाइन मंथ में हम, का कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली डॉलर थर्टी टू पॉइंट टू फाइव बिलियन का जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट हुआ इन द मंथ ऑफ जुलाई तो कितने परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन अप्रॉक्सिमेटली सिक्सटीन परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन और स्पेसिफिक अगर हम बोल रहे तो पंद्रह दशमलव नौ परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है गुड्स के एक्सपोर्टेड में यानी इंडिया का सिंपल जो इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो पंद्रह परसेंट या सोलह परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रीजन बिहाइंड जो एक्सटर्नल डिमांड है वो अभी भी स्लगश बनी हुई है क्योंकि जो हमारी जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर स्लो डाउन की सिचुएशन चल रही है हाई इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो डिमांड जो है वो हो रही है या इम्पैक्ट कर रही है हम बोलते हैं निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है डिमांड है ही नहीं वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में बिकॉज ऑफ स्लो डाउन एंड हाई इन्फ्लेशन जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट कर रहा है स्पेशली इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो तो एक्सपोर्ट में ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन हमें पिछले तीन सालों में देखने को मिल रहा है तो एक्सपोर्ट विटनेस द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन थ्री ईयर्स हालांकि अगर हम डेटा को बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करें डिटेल में देखें तो जो जुलाई के मंथ में जो हमें 16 परसेंट का डेकलाइन देखने को मिला है दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई के मंथ में अच्छा खासा एक्सपोर्ट था जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन जुलाई के मंथ में हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा दिख रहा है अगर ये तो बात रही एक्सपोर्ट की अगर इम्पोर्ट की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पैक्ट कर रहा है जो इम्पोर्ट है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटीन परसेंट तो जुलाई के मंथ में हमारा इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो हमारा इम्पोर्ट रहा वो अप्रॉक्सीमेटली डॉलर फिफ्टी टू पॉइंट नाइन टू बिलियन रहा तो इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें सीक्वेंशियल बेसिस मतलब मंथ बाइज मंथ अगर कंपेयर करें तो देर इज ओनली जीरो पॉइंट थ्री परसेंट डिक्लाइन इन इम्पोर्ट एज पर द रिसेंट डेटा शेयर बाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि चलिए एक्सपोर्ट तो समझ में आया कि भाई एक्सटर्नल डिमांड है वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन लेकिन हमारा इम्पोर्ट क्यों डिक्लाइन कर रहा है तो इम्पोर्ट डिक्लाइन का जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो एक्चुअली कमोडिटीज़ के जो प्राइसेज जो पहले बहुत ज़्यादा हाई थे चाहे वो चिप हो चाहे वो अदर रॉ मटेरियल्स हो जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे इसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था अब वो कमोडिटीज़ के प्राइस जो हैं वो कूल cool डाउन हो गए हैं जिसकी वजह से जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो रहा है एंड दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दिस इम्पैक्ट और हमें ये कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है तो इसके अलावा पहला रीज़न तो ये हो गया दूसरा रीजन यह कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इन बाउंस शिपमेंट को सब्सिट्यूट कर रही है मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रही है डोमेस्टिक कंजप्शन को प्रमोट करना चाह रही है थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसका इम्पैक्ट भी विजिबल है तो दो फैक्टर्स वजह से कमोडिटी प्राइस के कूल cool डाउन होने की वजह से और गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसमें गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को प्रमोट कर रही है उसकी वजह से हमें इंपोर्ट में ये डिक्लाइन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो डेफिनेटली अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा कम हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट जो है वो नैरो ही होगा ट्रेड डेफिसिट नैरोस हम थोड़ा सा सरप्लस या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ बढ़े क्योंकि हम इंपोर्ट कम किया है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली डॉलर ट्वेंटी बिलियन रहा इन द मंथ ऑफ जुलाई जबकि एक साल पहले इट वाज अप्रोक्सीमेटली डॉलर ट्वेंटी पच्चीस बिलियन से डिक्रीज होकर के जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो डॉलर ट्वेंटी तक पहुंच गया है या बीस तक पहुंच गया है हालांकि अगर सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें यानी मंथ वाइज मंथ बेसिस पर देखें तो जून में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो डॉलर एटीन

जो कि जुलाई में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर ईयर वाइज ईयर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेरिजन करें तो हमें ओवरऑल हमें ट्रेड डेफिसिट में नैरो डाउन दिख रहा है ये तो बात रही ट्रेड डेफिसिट की और एक्सपोर्ट और एक गुड्स एक्सपोर्ट की लेकिन यहाँ पर तो न्यू सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है हम मोस्ट ऑफ द केसेज में इंडिया में हम सरप्लस सिचुएशन में रहते हैं और हमें इसमें ग्रोथ ही देखने को मिलती है तो जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बारह की ग्रोथ से ग्रो किया है तो इन द मंथ ऑफ जुलाई अप्रॉक्सीमेटली डॉलर ट्वेंटी बिलियन का हमें सर्विस एक्सपोर्ट देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जुलाई सो दिस इज ऑल अबाउट सर्विस ट्रेड जो एक्सपोर्ट रहा हमारा सर्विस का वो 27.17 बिलियन रहा अप्रोक्सीमेटली 11 परसेंट या बोल सकते हैं ग्यारह या बारह परसेंट का ग्रोथ रेट हमें सर्विस एक्सपोर्ट में देखने को मिला सर्विस का जो इम्पोर्ट रहा वो भी पॉजिटिव रहा 5.6 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें सर्विस इम्पोर्ट पर देखने को मिला ओवरऑल ट्रेड बैलेंस इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इज़ 12.3 बिलियन डॉलर और ये डेटा है हमारा मर्केंटाइज ट्रेड का यानी जो हमारा गुड्स का ट्रेड होता है गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका डेटा है. तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ब्राइटर साइड में है इन कंपैरिजन टू आवर गुड्स ट्रेड और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड फूड इन्फ्लेशन हिट्स डबल डिजिट अभी हमने मिनट में ये न्यूज कवर भी करी है कि इंडिया का जो सी है वो अब सेवन तक पहुंच गया है और पिछले पंद्रह महीनों का ये हाइएस्ट सी है क्यों सी इतना हाई हुआ सिंपल रीज़न फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है तो इसी न्यूज को बिजनेस स्टैंडर्ड ने सेपरेटली कवर किया है सो बिकॉज ऑफ द मैसिव इंक्रीज इन फूड प्राइस इंडिया से रिटेल इन्फ्लेशन रेट शॉर्ट द अपर बाउंड ऑफ द और अपर रेंज ऑफ द आर तो जो आर की अपर रेंज है कितनी छः जो रेंज है उसको क्रॉस करते हुए सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट तक सी पी आई पहुँच गया एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले एम पी सी के डिसीजन पर देखने को मिलेगा प्रॉबली जो सेंट्रल बैंक है वो अपने इन्फ्लेशन फोकास्ट को भी मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि जो फोकास्ट पहले किया था अब उसके अकॉर्डिंग तो इन्फ्लेशन चल नहीं रही तो जो सेप्टेम्बर क्वार्टर है और आगे आने वाले जो कमिंग मंथ्स हैं उसके लिए अपने सेंट्रल बैंक अपने फोरकास्ट को चेंज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो एम के डिसीजंस होंगे वो भी चेंज होंगे सो अपसाइड इन्फ्लेशन सरप्राइज केम आफ्टर एम ऑफ आर हैड यूनानिमसली कैप द रेपो रेट अनचेंज्ड और हमने ये डिसीजन जो एम की मीटिंग हुई जिसके बारे में डिस्कस भी किया था तो फिलहाल के लिए जो एम का व्यू था कि प्राइस जो है वो सॉफ्ट होंगे इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन होगी तो ऐसा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन बढ़ाए जाए और एम इस बार कोई स्ट्रांग डिसीजन ले एंड दिस इज द इन्फोग्राफिक अबाउट इंडियाज़ इन्फ्लेशन इंडिया इन्फ्लेशन आउटपेस्ट मेजर इकोनॉमीज ई एम प्रेजर ई एम पीयर्स तो अगर हम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ या काउंटर पार्ट इकोनॉमीज़ को देखें तो या अदर इमर्जिंग की इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो फास्टर रेट से इंक्रीज हो रहा है इन कंपेरिजन टू अदर लार्ज इकोनॉमीज़ और पीयर इकोनॉमीज तो एवरेज इंडियन कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज फ्रॉम इंक्रीज टू सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई जबकि जर्मनी में इट इज अप्रोक्सी में इट इज अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट टू फ्रांस में इट इज अप्रोक्सीमेटली फाइव परसेंट तो जो अगर काउंटर पार्ट इकोनॉमीज हैं उनमें इन्फ्लेशन इतना हमें शूटअप होता हुआ नहीं दिख रहा जो हमें इंडिया में जो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है सीपीआई इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है दिस इज द हाइएस्ट नंबर्स दैन की पर्यर्स यूके केवल जो है वो इंडिया से आगे है इन टर्म्स ऑफ सी पी आई और इन्फ्लेशन रेट यू के में समय जो इन्फ्लेशन चल रही है दैट इज सिक्स सेवन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट इंडिया में सेवन पॉइंट फोर जर्मनी सिक्स पॉइंट फाइव साउथ अफ्रीका फाइव पॉइंट फोर रशिया फोर पॉइंट थ्री ब्राजील जापान चाइना में तो डिफ्लेशनरी ट्रेंड माइनस जीरो पॉइंट इन्फ्लेशन है फ्रांस इज तो इन कंपेरिजन टू मेजर काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स और लार्ज इकोनॉमिक्स इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर दैट इज गिवन ऑन पेज ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट होप्स टू यूके एफ टी ए इशू बाय मंथ एंड तो इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा है उसमें जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए अभी भी पेंडिंग हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अब उन पेंडिंग इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने वाला कौन कौन से पेंडिंग इश्यूज़ हैं जिस पर अभी फिलहाल के लिए किसी भी तरह की कंसेंसस नहीं बनी है सच एज रूल्स ऑफ ओरिजिन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड आई रिलेटेड इश्यूज़ तो आई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिलेटेड रूल ऑफ ऑरिजन रिलेटेड जो भी पेंडिंग इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशूज़ हैं, हैं फिलहाल के लिए अब इंडिया इस बात पर होप कर रहा है कि बहुत जल्द ही इन इशूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा जल्द ही मतलब कितना बाई द एंड ऑफ दिस मंथ और उसके लिए मीटिंग्स भी शेड्यूल हैं यूके के की ऑफिशियल से तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रह गए हैं अब उनको जल्द ही डिस्कस किया जाएगा एंड यूके टीम इज कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप टी आई डब्ल्यू जी और जयपुर में ये मीटिंग होने वाली है और इसमें इसको लेकर के इंडिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि जो अदर रिमेनिंग इशूज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया और यू के का जो एफ टी ए वो डील हो रहा है उन इशूज़ को इस मीटिंग में ज़रूर से रिजॉल्व कर लिया जाएगा सर लेटर से क्योंकि अगर हम इशूज़ की बात करें चाहे वो लेबर रिलेटेड इशूज़ हों चाहे कंट्री ऑफ ऑरिजन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या आई पी आई रिलेटेड इशूज़ हों ये बहुत ही कंटेंशस इशू हैं और कई टाइम से इन इशूज़ पर डिस्कशन हो रहा है फिलहाल के लिए तो कोई भी कंसेंसस नहीं बनी है लेकिन दोनों ही साइड्स का ये कहना है कि ह्यूज प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और प्रोबेबली इस मीटिंग में जो कि जयपुर में होने वाली है मंडे को जो गवर्नमेंट ने इंफॉमेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये सारे इश्यूज इस मीटिंग में रिजॉल्व कर लिए जाएंगे अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि पेज नंबर एक पर दिए हुए हैं और अदर पेजेस पे दिए हुए भी कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन सोर्स टू फिफ्टीन मंथ्स हाई सेवन ये हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं नेक्स्ट क्लिप से बी सिक्स मोर डेज टू फाइल रिपोर्ट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 24 में से सत्रह मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं चार मैटर्स हैं उन पर अभी प्रॉप कंप्लीट हुई है अप्रूवल की प्रोसेस चल रही है एक मैटर में, में फॉरेन एजेंसी या जो से इंफॉर्मेशन लेनी है एक मैटर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडवांस स्टेज पर है और एक मैटर पर इंट्रीम रिपोर्ट जो है वो प्रिपरेशन है जो टोटल ट्वेंटी फोर इश्यूज हैं उसको फाइनली ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट तक से भी सबमिट कर सकता है अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूपी ब्रीचेस एटी थ्री पर डॉलर इंट्रा डे एन टू टेन स्लो ये भी न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं कि इंट्राडे 83. समथिंग तक 07 तक पहुंच गया था हालांकि आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से 82 पर एप्रोक्सीमेटली uh, क्लोज हुआ है इंडियन रुपी तो ये न्यूज़ भी हम ऑलरेडी मिंट पर कवर कर चुके हैं रीज़न बिहाइंड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप रशियन क्रूड परचेज लम बाई रिकॉर्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट इन अगस्त सो इंडिया का जो परचेज है रशियन क्रूड ऑयल का यूरल्स का वो ट्वेंटी फाइव परसेंट तक डिक्लाइन हुआ है इन द फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट तो ऑगस्ट का अगर हम ये पंद्रह दिन का डेटा देखें तो इस डेटा में इस ड्यूरेशन में पंद्रह दिन के इस ड्यूरेशन में जो रशियन ऑयल है जो अभी तक फिलहाल पेंडेमिक के बाद से हम बोल सकते हैं नॉट नॉट पैंडमिक रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो हमारा रशियन ऑयल का जो हमारा इम्पोर्ट बढ़ा था वो अब डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है हमें पंद्रह जो अगस्त का तक का डेटा देखें यानी अगस्त का पंद्रह दिन का डेटा देखें तो उस ड्यूरेशन में पच्चीस तक रशियन ऑयल इम्पोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है दिस इज़ द स्टीपेस्ट मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रीज़न भी है हमने कई बार डिस्कस भी किया अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता भी होगा कि रशिया ने अपने जो डिस्काउंट्स हैं वो लोअर कर दिए हैं और जो हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है इसकी वजह से और प्रोडक्शन भी रशिया ने थोड़ा सा कट किया है इन लाइन विद ओपेक कंट्रीज जिसकी वजह से जो इंडिया परचेज़ करा था फ़िलहाल के लिए अब उसमें डेक्लाइन होता हुआ दिख रहा है हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस प्रोडक्शन कट और लोअर डिस्काउंट की वजह से जो रिफाइनरीज हैं इंडियन रिफाइनरीज उन्होंने जुलाई के ही मंथ में अपने जो स्टोरेज हैं वो फुल कर लिए थे तो फिलहाल के लिए जो ये एंटिसिपेटेड डेकलाइन था ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि आगे आने वाले मंथ्स में रशियन ऑयल परचेज जो है वो डिक्रीज करेगा सो दीज आर इंडिया टॉप इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड्स इन ट्वेंटी तो आई ओ सी रिलायंस एच पी सी एल नायरा एंड बी पी सी एल अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप आर बी आई गवर्नमेंट कंटेन इन्फ्लेशन क्वेश्चन पीपल प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने मंडे को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर के और आर के एक्शन स्पेशली इन्फ्लेशन पर जो आर बी के और गवर्नमेंट के एक्शन हैं उस पर डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने मिल कर के सक्सेसफुली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी और यह हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की नहीं इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है कॉमन पीपल पर उसको कुशन अप करने की कोशिश करी है तो सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे कि इवनिंग या उस इवेंट पर अपने भाषण में अपनी स्पीच में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाईलाइट है कि किस तरीके से जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी में इंडिया ने कई सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर प्रोग्रेस करी है किस तरीके से इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया है करंट गवर्नमेंट ने अपार्ट फ्रॉम इट आवर प्रेसिडेंट ऑल्सो रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करी जी की बात इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ पर गवर्न मेंट को आप किया हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव नाइस डे